आपने एक वाइट कोट पहन लिया तो एक आपका जो लाइफ का एक मेजर इवेंट है, ये आपको हर्ष के साथ एक दायित्व का आभास कराएगा। दायित्व इस बात का कि अब आगे का जीवन आपका एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन में आपने जिसमें दाखिला दिया है, जिसमें आपको अपने मरीज का, अपने हर रोगी का के साथ पूरे प्रेम, पूरी अपनी संवेदना के साथ उसका विश्वास जीतना है। चिकित्सक के रूप में अपनी सफलता, यश एवं अर्थ प्राप्ति के लिए मैं सदैव अपनी विद्या का उपयोग प्राणी मात्र के कल्याण हेतु करता रहूंगा रहूंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। आज मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हूँ। ये GSVM मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पर वाइट कोट सेरेमनी होने वाली है। बस थोड़ी देर में प्रोग्राम शुरू होने वाला है। फर्स्ट ईयर बैच के स्टूडेंट्स जिनको कि वाइट एप्रन पहनाया जाएगा, वो शपथ लेंगे। क्या वो शपथ होती है, शपथ की क्या इंपॉर्टेंस होती है और वाइट कोट सेरेमनी क्या है, इसकी पूरी हम लाइव कवरेज दिखाएंगे। बस थोड़ी देर में यहाँ पर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला आने वाले हैं, जिनका यहाँ पर एड्रेस होगा। तो क्या मैसेज देंगे स्टूडेंट्स को और आज की शपथ की क्या इंपॉर्टेंस है, मेडिकल प्रोफेशन को लेकर वो क्या प्रतिज्ञा करने वाले हैं, इसकी हम आपको कवरेज दिखाएंगे। पिछले दिनों हमने एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में की आपको कवरेज दिखाई थी वाइट कोट सेरेमनी, लेकिन आज ये GSVM मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। 250 सीट्स हैं यहाँ पर और कितनी रैंक वाले ने, हायर रैंक वाले स्टूडेंट्स को ही यहाँ पर एडमिशन मिलता है, तो उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगी। बस कुछ ही देर में यहाँ पर ये वाइट कोट सेरेमनी शुरू होने वाली है, हम आपको दिखाएंगे लाइव कवरेज। इसके बाद में हम बात करेंगे कि इस जो वाइट कोट सेरेमनी, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और कब से ये ट्रेडिशन शुरू हुआ है। GSVM के प्रांगण में स्वागत है और जैसा कि आप लोग विदित हैं कि आज हम लोग यहाँ इस सभागार में व्हाइट कोट सेरेमनी के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो जो छात्र हमारे यहाँ सेकंड काउंसलिंग से आए हैं, मैं उनको विशेष स्वागत करती हूँ कि आप लोग गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल के अब मेडिकल कॉलेज के अब सदस्य हैं और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि आप हमारे परिवार में आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, वेलकम, सुस्वागत आपका। और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ कि आपने नीट का इतना टफ कंपटीशन क्वालिफाई कर इस कॉलेज में एडमिशन लिया है। और अभी हम लोग शीघ्र ही वाइट कोट सेरेमनी के लिए स्टार्ट करेंगे और प्रोग्राम का मैं बता दूं प्रोग्राम कि वाइट कोट सेरेमनी के बाद फिर हम लोग चरक शपथ करेंगे। तो वाइट कोट सेरेमनी, वैसे तो एक सफ़ेद चोला आपके बदन पर आ जाएगा, यही कहेंगे ना कि सफ़ेद चोला आपका आ गया। कहने को तो कुछ नहीं है, बहुत से लोग वाइट ड्रेस पहनते हैं तो आप भी वाइट कोट पहनते हैं, लेकिन ये आपके जीवन का एक अभूतपूर्व इवेंट होगा कि ऐसा पल होगा कि जिसके बाद से आपके जीवन का जो आपने एक वाइट कोट पहन लिया तो एक आपका जो लाइफ का एक मेजर इवेंट है। ये मेजर इवेंट इसलिए कि अब इसके बाद आप कहाँ, एक तरफ तो आपके अंदर ये हर्ष होगा कि हम डॉक्टर बन गए नहीं, मतलब डॉक्टर बनने के चरण में आ गए, और परंतु साथ ही साथ यह आपको हर्ष के साथ एक दायित्व का आभास कराएगा। दायित्व किस चीज़ का, किस चीज़ का दायित्व? दायित्व इस बात का कि अब आगे का जीवन आपका एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन में आपने जिसमें दाखिला दिया है, जिसमें आपको अपने मरीज का, अपने हर रोगी का के साथ पूरे प्रेम, पूरी अपनी संवेदना के साथ उसका विश्वास जीतना है। किसी का विश्वास जीतना कोई मजाक नहीं है, नहीं, किसी का विश्वास, कोई इंसान अपना जीवन आपके हाथ में दे देता है कि ठीक है डॉक्टर साहब आप हमारी सर्जरी कर लीजिए, या ठीक है डॉक्टर साहब आप जो लिख देंगे दवा हम वो दवा खा लेंगे, इतना बड़ा विश्वास आपको आज वाइट कोट सेरेमनी के माध्यम से आपको ये आभास दिलाया जा रहा है कि अब आपको इस दायित्व को निभाने के लिए तैयार होना है। समझ रहे, खुशी हर्ष तो है ही, आपने कॉलेज में प्रवेश लिया, आपने नीट की परीक्षा दी, आपका एडमिशन हुआ, आप डॉक्टर बनेंगे, पैसा भी कमाएंगे, हाँ आपको सम्मान भी मिलेगा, आपके पेरेंट्स आप पे गर्व करेंगे, परंतु साथ में जो आपका एक दायित्व है, एक डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी आपके ऊपर आ गई है। ठीक है,
हाय फ्रेंड्स, मैं बहुत समय से नीट और जेई टॉपर्स के इंटरव्यू करती रही हूँ। उन स्टूडेंट्स में पढ़ाई के अलावा कुछ न खास बात होती है जो उनको सक्सेसफुल बनाती है। मुझे ऐसे ही करीब 100 टॉपर्स की सक्सेस स्टोरी के आधार पर लिखी गई एक बुक मिली है। ये बुक आप देख सकते हैं, टॉपर्स स्टडी हैक, ये बुक है दिशा फाउंडेशन की, ये बुक है। और ये 100 टॉपर्स जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के टॉपर्स हैं उनकी सक्सेस स्टोरी के आधार पर इस बुक को लिखा गया है। ये बुक आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अलावा सब कुछ सिखा देगी, जैसे आपको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। मैं आपको ये बुक खरीदने की सलाह दूंगी। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है जहां से आप ये बुक मंगवा सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर मौर्य सर से कि प्लीज आकर स्टूडेंट्स को कुछ आशीर्वचन दें। बैठ जाइए। धन्यवाद सिंधी मैडम। इस सभागार में आज हमारे बीच हमारे गुरुजी भी डॉक्टर एके गुप्ता, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑर्थोपेडिक्स हैं, और हमारे डिफरेंट डिफरेंट विभाग के सभी फैकल्टीगण एवं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सभी को बहुत बहुत बधाई कि आपने इस मेडिकल कॉलेज को चुना है जो स्टेट में नंबर एक मेडिकल कॉलेज है। और इस मेडिकल कॉलेज से अटैच्ड एक हमारा एक 1700 बेड का 2000 बेड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जिसका मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ और मैं यहाँ पर विभाग में प्रोफेसर हूँ सर्जरी में। जैसा कि आपने इस कॉलेज को चुना है इसके लिए आप सभी को और आपके गार्जियंस को बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेडिकल कॉलेज में आने का एक बहुत बड़ा सपना रहता है सभी को कि हमें मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करना है और एक अच्छा डॉक्टर बनना है और डॉक्टर के साथ साथ हमें अपनी सेवा भी देनी है। इस चरण में मेडिकल कॉलेज में इतना पेशेंट है, इतना मटेरियल है जिससे आप एक अच्छे डॉक्टर बनने की जो सपना है वो आपका पूरा होगा। आपके साथ साथ विभाग में सुपर स्पेशलिटी, स्पेशलिटी सभी विभागों में स्पेशलिटी कोर्सेज चल रहे हैं, सुपर स्पेशलिटी चल रहे हैं, CT है, MRI है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस कॉलेज में नहीं है। बस ये है कि आप कितने लगन से इसको यहाँ पर लेते हैं और सीखते हैं। इसमें पूरा हॉस्पिटल आपके साथ है, आपका नर्सिंग स्टाफ पूरा साथ में है, आप जितनी भी यहाँ पर क्लासेस ले सकते हैं, क्लासेस आ सकते हैं, पेशेंट में सीख सकते हैं, उसके लिए आप पूरी तरह फ्री हैं, आप आएँ और सीखें। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आपके जिस विषय से आप आए हैं, एक अच्छे डॉक्टर समाज में दें और सेवा दें, उसके लिए मैं आपको अग्रिम बधाई देता हूं कि आप अच्छे डॉक्टर बने और देश की सेवा करें। धन्यवाद। नाउ आई विल रिक्वेस्ट आवर वार्डन डॉक्टर रीना गुप्ता टू प्लीज कम एंड से फ्यू वर्ड्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू आवर स्टूडेंट्स। इस कॉलेज में ज्वाइन करने के बाद ही आप सब क्या कहलाते हैं, तो वेलकम गणेशियन। आप सबको इस बहुत ही आपके उज्जवल भविष्य के लिए, एक बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करने के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। वैसे तो मेरा विभाग स्त्री व प्रसूति रोग का है, ऑप्शन गायनी थर्ड प्रोफेशनल में आता है, लेकिन अभी आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन जो UG गर्ल्स हॉस्टल में रहते होंगे उनके साथ होगा और समाज कल्याण में भी कुछ हमारे गर्ल्स हैं उनको उन्होंने भी देखा होगा, हमने राउंड भी लेते रहते हैं। तो बेसिकली आप जब आए हैं तो आपका हॉस्टल आपका घर है, ये समझ के उसमें रहिए। वहाँ पर डिसिप्लिन से रहना, वहाँ पर साफ़ सफाई का ध्यान रखना, जहाँ जो प्रॉब्लम है वो आपको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होकर उसकी कंप्लेन करना, उसको सही कराने के लिए सुझाव देना और एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीते हुए ऑर्गेनाइज होना। मे बी आपके वहाँ पे पेरेंट्स रहे होंगे, घर में पेरेंट्स रहते हैं, यहाँ पर हम लोग आपके पेरेंट्स जैसे ही हैं। कोई भी समस्या हो आप उसका जहाँ तक हो सके निस्तारण किया जाता है, लेकिन समस्या का समाधान इंडिविजुअल से स्टार्ट होता है। तो समस्या का समाधान पहले अपने आप से करिए। कैसे? आपके रूममेट से आपको बना के रखना है। सब पैम्पर्ड चाइल्ड हैं, सिंगल सिंगल रूम्स में रहते आए हैं,
अपने घर में भी हर एक चीज़ में आपको हर एक सुविधा मिली होगी, वो सुविधा यहाँ भी मिलेंगी, लेकिन आपको एडजस्ट करना है लाइफ में। एक हर एक तरीके से नेक्स्ट स्टेप में आप जा रहे हैं। आप जब कॉलेज में जाएंगे तो आपका क्लिनिकल नॉलेज बढ़ेगा, आप क्लिनिक सीखेंगे, आप थ्योरी सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे, लेकिन लाइफ में सक्सेसफुल वो होता है जो कि लाइफ के हर एक आस्पेक्ट को अच्छी तरीके से सीखता है। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, वो भी आपको अपने हॉस्टल से ही स्टार्ट करना है। अपने कुलीग से कैसे बात करनी है, ज़्यादा लड़ाई नहीं करनी है, है ना। हर एक बैच में कुछ होते हैं बड़े फेवरेट होते हैं, हॉस्टल में भी, क्लास में भी, पढ़ने में भी, सब कुछ। और कुछ होते हैं कि उनके साथ कोई रूम ही नहीं लेने मांगता है, कई बार इसी वजह से वो सिंगल सीटर हो जाते हैं। बट दे हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड एवरी प्रॉब्लम। तो एज अ वार्डन गर्ल्स हॉस्टल, मेरा मैसेज यही है कि आप लोग जैसे एक अच्छे डॉक्टर बने, वैसे ही अच्छे इंसान बने और अच्छे सामाजिक प्राणी बने। हर एक तरीके से, हर एक क्षेत्र में आपकी सफलता के लिए मैं बार बार आपको शुभकामनाएं देती हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू मैम। और मैं स्वागत करती हूँ अपने वाइस प्रिंसिपल मैडम डॉक्टर ऋचा गिरी का, डीन मेडिसिन डिपार्टमेंट। शी हैज स्पेयर्ड हर वैल्यूएबल टाइम फ्रॉम हर ओपीडी एंड शी हैज कम हियर। थैंक यू मैम फॉर बीइंग हियर। And I'll request madam to say few words of blessing for you, Dr. Richa Giri. I welcome you all to this, the biggest state medical college of Uttar Pradesh. I welcome Dr. Principal Sir, Dr. Sanjay Kala, Superintendent in Chief, Dr. Maurya, HOD, Orthopedics, Dr. A.K. Gupta. I welcome you all to this college, and I wish you all the best, and I hope you make this college proud. And apart from studies, you should always take due interest in sports and yoga, which is a curriculum in your NMC from now. So I wish you all the best. Thank you. अब हम white coat ceremony प्रारंभ करने वाले हैं। मैं एक उदाहरणार्थ दो सबसे पहले एक एक सैम्पल सारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि स्टूडेंट्स नए हैं, फैकल्टी तो पहले का भी अनुभव है। आदित्य राय ज़रा एक बार आ जाएं, उनको हम एक सैम्पल बताएंगे। इसी प्रकार से अन्य छात्र भी आएंगे। अभी मैं पांच छात्रों को नाम ले रही हूँ। आरिफ जंग, आत्मिक कौशल, अभिजय कृष्णा, अनुभव पांडे, अनुभव वार्षने, अभिसार राय। फैकल्टी और प्लीज, आपने जो फर्स्ट रो में जो हमारे गुरुजन हैं, डॉक्टर प्रेम, डॉक्टर डॉली, डॉक्टर चैनिका, डॉक्टर सौरभ, डॉक्टर सुरैया, प्लीज कम ऑन द स्टेज। तो एक सेमी सर्कल की तरह फैकल्टी खड़ी हो जाएगी, सेमी सर्कल, फैकल्टी इन द सेमी सर्कल, ऑलमोस्ट वी शेपेड सेमी सर्कल, एंड हाँ बच्चे 10, एंड देन आई कॉल अभिसार राय तक बोल दिया, अभिषेक गौतम, अभिषेक कुमार, आदर्श कुमार शर्मा, अदिति अग्रवाल एंड अदिति केशरी। तो बेटा जाओ फर्स्ट टीचर, सब लोग एक एक टीचर को, एक एक फैकल्टी, एक एक गुरुजन के सामने आप अपना स्टेथो और अपना अपरन दे दें। अपीट करके खड़े हो जाइए। अदिति केशरी, आदित्य कुमार, अजीत कुमार, आकांक्षा अग्रवाल,
नेक्स्ट स्टूडेंट्स आकांक्षा मिश्रा, आकार्षिका सिंह, अक्षर, अलंकार यादव यहाँ पर, बाकी जो 10 स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर आके खड़े हो जाए। अगला रोल नंबर जो है आप लोग वहाँ से मूव करते जाइए। चलो बेटा आकांक्षा मिश्रा, आकार्षिका सिंह, अक्षत, अलंकार यादव, अल्तमाश अहमद दानिश, अमन खान, अमीर कुशरो, अमित कुमार यादव, अनन्या गुप्ता, बाकी स्टूडेंट जिनका नाम ले रहे हैं वो यहाँ पर डायस पर खड़े हैं, यहाँ तक आ जाए। अमित कुमार यादव, अनन्या गुप्ता, अंचल बलियान, अंकित वर्मा, अन्नपूर्णा देवी, अनुभव कुमार, अनुराग श्रीवास्तव, अपूर्वा कार, अर्चना उपाध्याय, अर्णव उपाध्याय, आशुतोष शर्मा, आशुतोष सिंह, जाइए आगे आप लेते जाइए, जैसे बताए प्लीज आगे। अश्लेषा शर्मा, अवनी गर्ग, अवनीश पटेल, जाइए और अवनी पटेल, अवनीश पटेल, अवनी गर्ग, अविनाश कुमार, आयुष कुमार, आयुष कुमार टू, आयुष कुमार सिंह, आप बबलू, अवनीश पटेल, अविनाश कुमार, आयुष कुमार, आयुष कुमार, आयुष कुमार सिंह, बबलू, विशाल कुमार, चंदीश कुमार, दक्ष भोरिया, दीपक कुमार, दीपक यादव, देव वार्षने, धारणा शर्मा, दिव्या सिंह, इशिता गर्ग, फरहान रजा, गार्गी गुप्ता, गर्ग जायसवाल, गौरव कुमार, गौरी दुबे, गौरी गुप्ता, हर्ष गोयल, हर्ष गुप्ता, हर्ष झा, हर्ष कुमार, हर्ष पिवाल, हर्षित शर्मा, हिमांशु कुमार वर्मा, हिमांशु प्रताप यादव, हिमांशु राठौर, ईशा त्रिपाठी, इशिता अग्रवाल, इशिता कटियार, जैस्मीन बानो, जतिन अवतार, जतिन गोयल, जितेंद्र कुमार, कार्तिक राव, कोमल कुमारी, कृष्णा प्रजापति, Now I'll request the faculty sitting in the second row of the audience, Dr. Aarti, Dr. Nidhi, Dr. Alka, Dr. Saurabh, Dr. Chitra, Dr. Jayavardhan, Dr. Atosh, please come on the dais and I will request only principal sir to be here, sir Jana is here. Baki faculty स्टेज पर, हाँ वाइस प्रिंसिपल सर एंड वाइस मैडम आ जाइए सेकेंड रो। देन डॉक्टर अनुपमा, डॉक्टर शैलेन, डॉक्टर आनंद, प्लीज कम ऑन द डायस। डॉक्टर मौर्या, डॉक्टर ए के गुप्ता प्लीज। Thank you.
यस. नाउ द अदर स्टूडेंट्स, क्षितिज तिवारी, कुमार नीलेश सिंह, लोकेश कुमार मीना, मंजू, मंजू गुप्ता, मंजू भारती, आइए बेटा इधर की तरफ से आ जाइए. जिन लोगों का नाम बोल रहे हैं अप्रन लेके फर्स्ट आइए. मनोज कुमार यादव, मानसी गोयल, मंसूब अहमद, मंताशा सिराज, मान्या गर्ग, मयंक पाठक, मयंक सिंह, निमांशा वर्मा, मीनाक्षी मिश्रा, मोहन अग्रवाल, मोहम्मद आफान खान, मोहम्मद अंजर, मोहम्मद आयान सरदार, मोहम्मद आजम अंसारी, मोहम्मद इंतेशाम, मोहम्मद फारूक, मोहम्मद हारून, मोहम्मद सैफ अंसारी, मोहम्मद सनीफ, मोहम्मद साकिब एहसान, मोहम्मद उजैर, मोहम्मद जीशान, मोनू नागर, मृत्युंजय सिंह. डॉक्टर सौरभ, वहाँ जाओ बेटा. डॉक्टर अनुपम, देन मुकेश, नीरज कुमार शर्मा, नीतू यादव, नेहा मौर्य, निधि विदुरी, निखिल शुक्ला, निर्भय प्रताप, निशांत कुमार, नितेश द्विवेदी, नित्या सिंह, ओम राय, पलक मिश्रा, पल्लवी मिश्रा, पंकज कुंटल, पारितोष आर्या, पावनी शर्मा, पूजा रजौरिया, प्रखर शुक्ला, प्रवल गौतम. प्रबल गौतम, प्रियल अग्रवाल, प्रियंका शर्मा, प्रियांशी माल, प्रियांशी राजपूत, प्रियांशु वर्मा, पुष्पेंद्र कुमार वर्मा, रचित कुमार सिंह, राहुल कुमार, रानुप्रिया, रत्नेश कुमार, रविकांत मिश्रा, रविंद्र कुमार, रेणु कुमारी, रिशिता बंसल, रिशिता देवनाथ, रितिका चतुर्वेदी, एस प्रियांशु. साकिब चौधरी, साक्षी डॉटर ऑफ प्रेम प्रकाश दुबे, साक्षी दुबे, साक्षी सिंह, समीर अग्रहरी, समीक्षा मिश्रा, सना शकील सिद्दीकी, सानिया अग्रवाल, संजना भारती, संकल्प अंगिरा, संतोष कुमार यादव, सर्वेश कुमार यादव, सर्वेश शर्मा, सत्येंद्र सिंह, सौरभ, सावंत गोंड, सावित्री सिंह, शशांक कुमार, शाश्वत सिंह, शीलू यादव, शिप्रा वर्मा, शिशिर प्रताप सिंह, शिवाली सिंह, शिवम पांडे, शिवांश द्विवेदी, शिवांशु दीक्षित, शिवांशु यादव. Now I'll request the other faculties, Dr. Anand Kumar, please come on the dais. And the third row, Dr. Pragnesh, please, all the faculties, Dr. Saf, please come, all the faculties, please come on the dais. All faculties, please come on the dais. Dr. Sir, please come on the dais. Manish, Shivani, Dr. Shivani. और फैकल्टी, अगर मैंने नाम ना लिया हो तो प्लीज, अगर यहाँ पे फैकल्टी बैठी है तो प्लीज अपना आ जाए.
शिवांशी यादव, फिर श्रद्धा कटियार, श्रेया श्रेय चौहान, श्रेयांश राज वर्मा, श्रेयांशु कुमार, श्रेया त्रिपाठी, श्रुतिश्री, श्रुति सिंह, शुभांशु शेखर, सिद्धार्थ अटल, सौम्या वार्ष्णेय, सृष्टि आनंद गुप्ता, देन सुब्रत गोस्वामी, सुहेल अहमद, सुमी दाव, सुमित काडियान, सुनील कुमार मीना, सुनील मीना, सूरज शर्मा आई। सूरज शर्मा, सुरभि गंगवार, सुरभि गंगवार, देन स्वप्निल सिंह यादव, स्वप्निल वर्मा, स्वास्तिका गुप्ता, तबिश मसूद, तनु कुमारी, तानिया सिंह, उज्जवल पांडे, उमेश कुमार, उन्नति गुप्ता, उत्कर्ष शर्मा, उत्कर्ष शर्मा, उत्कर्ष शर्मा, उत्कर्ष वर्मा, वैभव चंदेरिया, वैभव कुमार, वैभव कुमार, वाणी सिन्हा, वर्तिका सोडियान, वत्सल्य मिश्रा, विजेता सिंह, विकास कुमार, विकास कुमार श्रीवास्तव, विकास सिंह, विराज वर्मा, विशाखा सिंह, विशाल, विष्णुप्रिया, विवेक, यश अग्रवाल, यशस्वी सिंह, यूमिका, रिया, रिया हामिद, निर्मल, हिमांशु, महेंद्र, अदर एनी अदर स्टूडेंट, डॉक्टर सौरभ के पास जाओ, डॉक्टर जी, ऑल द बेस्ट, जिस पर्पस बोर्ड से तुम यहाँ आए हो उसी पे फोकस करो, अगर कोई छात्र बचा है तो कृपया, अगर लेट एडमिशन हो और उसका नाम ना आया हो लिस्ट में तो वो आ जाए ऊपर। सभी गुरुजनों को मेरा आभार, थैंक यू सो मच। सभी वाइट कोट हो गया, प्रधान आर्य जी से मैं अनुरोध करूंगी कि चरक शपथ छात्रों को करवा दें। छात्रों के पास चरक शपथ का फॉर्मेट भी है, वेरी गुड, खड़े हो जाएंगे सब लोग, प्लेज के उसमें आएंगे, पहले सर का एड्रेसल हो जाए, फिर हाँ, पहले सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन, आशीर्वचन, वेरी गुड मॉर्निंग टू हेड द डिपार्टमेंट्स, डिस्टिंग्विश्ड फैकल्टीज, माय सीनियर्स, माय कंटेम्प्रेरीज एज वेल एज माय जूनियर्स, सो इट्स हाई टाइम and day to be proud of, because right now you are being tagged as a alumni of, not alumni, as a student of GSPM Mill College. But with this great power you get great responsibilities also. So before we start Charak Shapat, what are your responsibilities that you should know as far as this college is concerned? Number one, to maintain the discipline, to study, to help your colleagues, seniors and juniors, treat us like your family, don't create any indiscipline, because this is the place for making the doctors, because our first priority is teaching. But if somebody does some mischief, so then this place is not a fit place for him or her. So with these words, I think I've really enjoyed the white coat ceremony, because now
literally you have become, because I think I am seeing a lot of new faces. Last time, few of the students, I think they have been replaced, what I've seen, what I've addressed last time. So as I've said earlier, here, the purity level right now you are having in the first year, it should be maintained throughout your life. Don't get distracted by mundane world, I mean the materialism, because in a doctor profession, in our professionalism especially, we are being easily distracted by the material world, in the sense, because if you are a doctor, money will automatically come to you, but many times you will have to do a lot of sacrifices. That's why we are different from other professions, in the sense that God has given us power to serve the humanity, which is present in other professions also, but not up to the extent that we have. So this is the difference between us and others. So I hope you all are my dear students, and as Madam said, this is para P2, and Madam is from para P1, ma'am. Where is J1? Who's from P1? Is there anyone from P? Okay. Anyways. Yeah, Dr. Neelima, last time she was there, I think few of the students have witnessed her speaking. She said she was also from, she was from P1, you are from P2. So there are a lot of seniors who will be guiding you, who will be helping you, and a lot of seniors will be there, and as well as your batchmates will be distracting you. So don't get lured by these people. जो तत्कालिक सुख होता है वो बहुत छोटा होता है. जस्ट एम फॉर बिग थिंग्स, एम फॉर बिग गोल्स. सो दैट्स व्हाई यू ऑल हैव कम हियर, एंड आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट द लकी पेरेंट्स हु आर प्रेजेंट हियर एज वेल एज ऑल ऑफ यू, बिकॉज यू हैव जॉइंड अ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, एंड आई होप वन डे you'll bring a big name, not only to your parents, to this institute and to whole of this country. With these words, I would like to start the Charak Shapat. So I think this is for the first time that we are having. Yeah. Charak Shapat pehle ka. Ha, this is last time, since last several years, since my time, way back in 1989 when I joined in MBBS, at that time there was a Hippocratic Oath. And the first day when I took Hippocratic Oath, मेरे दिमाग में पहला प्रश्न उठा कि दुनिया के सबसे प्राचीन डॉक्टर तो इस देश से हुए हैं, तो ऐसा क्यों कि हमारे यहाँ की शपथें नहीं ली जाती हैं. लकली जो NMC है उसने पहली बार, यू आर लकी बैच, P1 P2 बैच जिसमें चरक शपथ इंक्लूड की गई है. मैं अब आप सब लोग अपनी सीट पे खड़े हो जाएंगे. आई स्पीक, मैं जो बोलूँगा वही सब आप अपने सामने देख करके, या आपके हाथ में जो PPT में से देख लीजिए, क्योंकि मैं उसी सीक्वेंस से बोलूँगा, आप उसको रिपीट करेंगे जो मैं बोल रहा हूँ. ठीक है, सो शैल आई प्रोसीड मैम? आपने महर्षि चरक का नाम तो सुना होगा. सो आई स्टार्ट, मैं शुरू करता हूँ. हे द्विज, द्विज का मतलब होता है ज्ञानी, संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है ज्ञानी. हे द्विज, पूर्वाभिमुख होकर पवित्र अग्नि एवं विद्वानों की साक्षी में प्रतिज्ञा करो कि, वो रिपीट दिस होल सेंटेंस. मैं अपने अध्ययन काल में संयमी, सात्विक तथा अनुशासित जीवन व्यतीत करूंगी. गुरु के अधीन होकर पूर्ण समर्पित भाव से गुरु के कल्याण तथा प्रसन्नता हेतु पुत्रवत पुत्रीवत आचरण करूंगी. मेरा व्यवहार सततापूर्ण
सेवा परायण तथा उद्दंडता और ईर्ष्या से रहित होगा। मैं अपने आचरण में संतोषी, आज्ञापालक, विनम्र, निरंतर मननशील एवं शांति संयुक्त रहूंगी। गुरु के अभीष्ट लक्ष्य के प्रति संपूर्ण सामर्थ्य से प्रयत्नशील रहूंगी। चिकित्सक के रूप में अपनी सफलता, यश एवं अर्थ प्राप्ति के लिए मैं सदैव अपनी विद्या का उपयोग प्राणी मात्र के कल्याण हेतु करता रहूंगी। अत्यधिक व्यस्तता एवं विश्रांति की अवस्था में भी मैं दिन रात रोगी की सेवा हेतु आत्मवत तत्पर रहूंगी। निस्वार्थ एवं अर्थ लाभ के लिए किसी रोगी का अहित नहीं करूंगी तथा पर स्त्री एवं पराय धर्म की कामना नहीं करूंगी। अनैतिकता मेरे विचारों में कभी नहीं आएगी। मैं सदैव मधुर, पवित्र, उचित, आनंदवर्धक, सत्य, हितकारी तथा विनम्र वाणी प्रयुक्त करूंगी। ताकि अपने पूर्व अनुभवों का उपयोग करते हुए ज्ञान के विकास एवं नवीनतम उपलब्धि के लिए निरंतर प्रतिशील रहूंगी। किसी स्त्री की चिकित्सा उसके पति अथवा आत्मीय की उपस्थिति में ही करूंगी। रोगी के परीक्षण के समय मेरा विवेक, ध्यान एवं इंद्रियां रोग निदान हेतु ही केंद्रित होंगी। मैं रोगी अथवा उसके घर से संबंधित गोपनीय बातों का प्रचार नहीं करूंगी। मैं मरणासन्न रोगी की विवेचना नहीं करूंगी, क्योंकि वह रोगी अथवा उसके आत्मीयजनों को आघातकारक हो सकती है। मैं अधिकृत विद्वान होते हुए भी अपने ज्ञान की अभिव्यक्ति अहंकार के रूप में नहीं करूंगी। क्योंकि इससे रोगी के स्वजन तक अपमानित अनुभूत कर सकते हैं। अभी संस्कृत का बहुत खूबसूरत श्लोक है, न तो हम कामिये राज्यम न स्वर्गम। आप बैठ जाइए प्लीज। अच्छा चलेगा, ओके। सो यू हैव टू रिपीट दिस। न तो हम कामिये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामित दुख तप्तानाम प्राणी मार्तम नाशनम। मुझे न राज्य की, न स्वर्ग की, न मोक्ष की आकांक्षा है। मेरी आकांक्षा दुख से संतप्त प्राणी मात्र का दुख दूर करने की है। धन्यवाद, बैठ जाइए। आज रात को आप सब जा करके एक बार, मैंने हिप्पोक्रेटिक ओथ भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, आप दोनों ओथ अगल बगल में रख के पढ़िएगा। मुझे लगता है ये वाली ओथ कई गुना अधिक बेहतर है, क्योंकि इसमें कई ऐसी बातें बताई गई हैं जो आगे चल के जिनके ऊपर हम आपको चैप्टर्स पढ़ाएंगे। बड़ी खूबसूरत ओथ है, मैंने भी पहली बार इसको कल पूरी तरह से पढ़ा और मैं वाकई में इससे अभिभूत हुआ कि इतना उस वक्त के हमारे जो ऋषि मुनि थे या उस वक्त के जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने इतने दूर दृष्टि से सोचा था। एक शब्द जो मैं बार बार आपने देखा होगा, आया होगा, क्या कोई मुझे बता सकता है कौन सा शब्द है जो कई बार रिपीट हुआ है या जिसका मतलब सेम है?
एनीवन एनी टीचर, विनम्रता 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 दो बार आया और आखिर पैराग्राफ में बोला मैं अहंकार जो है वो अहंकार का उपयोग नहीं, अपनी जो विद्वता का है उसका दिखावा नहीं करूंगा। ज़्यादातर डॉक्टर्स के साथ में बाय द टाइम यू बिकम फुल फ्लेज्ड डॉक्टर्स MS, MD, DM, MCH इतना ज़्यादा अहंकार आ जाता है। आप कभी किसी बड़े हॉस्पिटल में जाएं तो आपको इस बात का स्पष्ट अनुभूत होगा कि उनका अहंकार इतना अधिक होता है कि स्वयं भगवान भी उसके सामने बौने हो जाते हैं। तो मेरी आप सब लोगों से ये अभिलाषा है, एक अच्छे चरित्रवान व्यक्ति होने के, अच्छे डॉक्टर होने के साथ साथ आप एक बहुत विनम्र और मृदुल स्वभाव के होना सुनिश्चित करेंगे। और जब से ये NMC का नया कार्यक्रम लागू हुआ है मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, बैचेस अब बेहतर हो रहे हैं, क्योंकि आप पुराने जो करिकुलम में था उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो हम लोग मिस करते थे, जैसे एथिक्स है, एथिक्स नहीं था, हम बच्चों का मॉरल बिल्डिंग नहीं कर पाते थे, हम खाली कोर्स की किताबें पढ़ाते थे और बच्चे का जीवन का एकमात्र जो लक्ष्य होता था वो धन उपार्जन होता था। लेकिन अब जैसे NMC का नया कोर्स आया, बहुत अच्छा ड्रेसल किया उसमें, धीरे धीरे करके उसमें हमने बच्चों का कैरेक्टर बिल्डिंग भी शुरू किया। डॉक्टर बनने के साथ साथ अमूमन होता यह था कि आप डॉक्टर तो बन जाते थे लेकिन करेक्टर जो बाय द टाइम यू बिकम डॉक्टर आपका करेक्टर उतना चरित्रवान नहीं रहता था। तो अब ये जो नए कोर्स हैं इसके साथ में मुझे उम्मीद है कि आप लोग एक बेहतरीन डॉक्टर बनेंगे, खाली परिवार का ही नहीं, खाली इंस्टीट्यूट का ही नहीं, इस देश का भी नाम आप लोग रोशन करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और इसके साथ ही हमारा वाइट कोट सेरेमनी और चरक शपथ का की क्रिया पूर्ण होती है। मैं सबको आभार व्यक्त करूंगी, सभी फैकल्टी को जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय यहाँ आए और हमारे छात्रों को आशीर्वचन दिए, और कार्यक्रम की अब समाप्ति घोषित करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। Thank you.